टाटा पंच। इस गाड़ी को हाल फिलहाल मार्केट में काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, लेकिन क्या सही मायनों में इस गाड़ी को खरीदना एक सही फैसला है या नहीं, यही जानने के लिए इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताने वाला हूं, मतलब कि इस गाड़ी में क्या क्या अच्छाइयां हैं और क्या क्या कमियां हैं, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि ये गाड़ी आपके लिए एक परफेक्ट गाड़ी है या नहीं। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है कि ये एक माइक्रो एसयूवी है, मतलब कि एक एसयूवी की जबरदस्ती पैदा की गई सेगमेंट। इस सेगमेंट में जरूरी नहीं कि एसयूवी बोल रहे हैं तो आपको एसयूवी जैसा ही प्रोडक्ट मिले। आमतौर पर कंपनीज हैचबैक को ही सिर्फ एसयूवी बोलने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पंच है, इसकी फ्रंट प्रोफाइल हो या रियर प्रोफाइल हो या फिर साइड, एसयूवी वाला ही बोल्ड लुक और रोड प्रेजेंस ये दे रही होती है। इनफैक्ट इस गाड़ी के अंदर जब आप बैठते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी दबी हुई गाड़ी जैसे कि हैचबैक या फिर सेडान में आप बैठे हो, आपको एसयूवी वाला ही फील आ रहा होता है। ऐसा लगता है आप कहीं हाइट पर बैठे हो। कुल मिलाकर बात यह है कि 7 लाख रुपए में कंपनी आपको एसयूवी बोलकर हैचबैक नहीं थमा रही है, एसयूवी की जगह आपको एसयूवी ही मिल रही है। कंफर्ट की बात करते हैं तो इस गाड़ी की सीट्स की जो कुशनिंग है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। आमतौर पर टाटा की गाड़ियों की कुशनिंग अच्छी ही होती है। स्पेस की बात करें तो फ्रंट और रियर कैबिन में आपको अच्छी खासी स्पेस मिलती है, फिर मैं चाहे बात करूँ नी रूम की, शोल्डर रूम की या फिर हेड रूम की। इस गाड़ी का कैबिन अपनी सेगमेंट के हिसाब से साइलेंट है। अगर आप 90 या फिर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर मैक्सिमम चल रहे हो तब तक भी इसके इंजन की आवाज़ कैबिन के अंदर तक काफ़ी कम आ रही होती है। हाँ, अगर आप उस स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं तो ज़रूर इंजन नॉइस कैबिन के अंदर आना शुरू हो जाती है। बात करूँ अगर मैं क्लच, ग्लव बॉक्स और स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, मतलब कि अगर आप हाईवे पर अच्छी खासी स्पीड पर भी गाड़ी चला रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, गाड़ी आपके कंट्रोल में रहती है, स्टीयरिंग रिस्पांस अच्छा दे रही होती है। क्लच और गियर बॉक्स दोनों ही काफ़ी स्मूथ और लाइट हैं, लेकिन मैं फिर भी इसे बेस्ट इन सेगमेंट नहीं कहूँगा। सेगमेंट की कुछ गाड़ियां हैं जो इससे ज़्यादा स्मूथ और लाइट हैं। चूंकि इस गाड़ी में 16 इंच के टायर्स दिए गए हैं और सस्पेंशन भी SUVs के हिसाब से ट्यूनअप किया गया है, इसलिए आपको बॉडी रोल देखने को थोड़ा बहुत मिल जाता है, जो कि आमतौर पर SUVs में होता ही है। इसकी सेगमेंट की बात करूं तो एक्स्टर में आपको 15 इंच के टायर्स मिलते हैं, जबकि इसमें 16 इंच के दिए गए हैं। 1 इंच बड़े होने से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली जब आप खराब सड़कों पर अपनी गाड़ी चला रहे होते हो तो जो छोटे छोटे या बड़े बड़े गड्ढे होते हैं वो उतने ज़्यादा महसूस नहीं होते बड़े टायर वाली गाड़ियों में कंपेरेटिवली छोटी गाड़ियों से। इन सारी बातों के अलावा एक और एडिशनल बात मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे तो स्पीकर्स इस गाड़ी में और इसकी सेगमेंट की बाकी सभी गाड़ियों में अच्छे हैं और सभी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर मैं पंच के स्पेसिफिक स्पीकर्स के बारे में बात करूँ तो इसकी क्वालिटी बाकी से बेहतर है। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है माइलेज। इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा माइलेज क्लेम किया जाता है, जो आप अपनी स्क्रीन पर डिटेल देख सकते हो कि इस गाड़ी में और इसकी सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में कितना मिल जाता है। सेगमेंट से मेरा मतलब है इसकी डायरेक्ट राइवल एक्स्टर, इसके अलावा मैग्नाइट और काइगर भी लगभग इसकी सेगमेंट में ही आ जाती हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन में 20.09 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि काइगर के बाद सेकंड बेस्ट इन सेगमेंट है। इसके अलावा AMT में भी काफ़ी अच्छा माइलेज है 18.8 KMPL का। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है कि डीजल की जगह आजकल CNG ने ले ली है और टाटा पंच CNG में भी अवेलेबल है। हालांकि सेगमेंट में आने वाली काइगर और मैग्नाइट में आपको CNG देखने को नहीं मिलती है, एक्स्टर में आपको CNG जरूर मिल जाती है। CNG के साथ पंच में 26.99 किलोमीटर पर किलोग्राम का बेहतरीन माइलेज क्लेम किया जाता है। एक्स्टर की बात करूं तो उसमें 27.1 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज है, मतलब कि दोनों का माइलेज लगभग बराबर ही है, पॉइंट्स का अंतर है बस। लेकिन पंच CNG और एक्स्टर CNG में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है बूट स्पेस का। आमतौर पर जिन गाड़ियों में CNG लगा होता है उसमें बूट ना के बराबर होती है या बिल्कुल होती ही नहीं है, लेकिन पंच के साथ ऐसा नहीं है। CNG के 2 सिलेंडर्स लगने के बावजूद भी पंच में आपको 210 लीटर की हेल्दी बूट स्पेस मिल जाती है, जबकि एक्स्टर में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा पंच CNG को आप डायरेक्ट CNG मोड में ही स्टार्ट कर सकते हैं, बार बार आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं होती है। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है कि ग्लोबल NCAP में इसने बेस्ट इन सेगमेंट परफॉर्मेंस दी है। 5 out of 5 stars स्कोर किए हैं एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में और 4 out of 5 stars स्कोर किए हैं चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में, मतलब कि सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये गाड़ी बेस्ट इन सेगमेंट है। मैं आपको बता दूं कि सेगमेंट में आने वाली काइगर और मैग्नाइट का भी क्रैश टेस्ट हो चुका है, जिसमें उन्होंने 4 out of 5 stars स्कोर किया है। और रही बात एक्स्टर की, तो भले ही उसमें पेट भर के सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हों, लेकिन अभी तक उसका
ग्लोबल एनकैप ने क्रैश टेस्ट नहीं किया है या कंपनी वालों ने नहीं करवाया है, कुछ भी कह लो। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है कि इस गाड़ी के साथ आपको सेकंड बेस्ट इन सेगमेंट वारंटी ऑफर मिल जाता है 3 साल तक या फिर 1,00,000 किलोमीटर तक का। बेस्ट इन सेगमेंट ऑफर मिलता है आपको एक्स्टर के साथ में 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक का। इसके बाद में मैग्नाइट और काइगर में आपको सेम ऑफर मिल रहा होता है 2 साल तक या फिर 50,000 किलोमीटर तक का। सिक्स्थ पॉजिटिव पॉइंट, ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो पंच में मिल जाते हैं लेकिन सेगमेंट की किसी न किसी गाड़ी में या फिर किसी में भी नहीं मिल पाते, जैसे कि पंचर रिपेयर किट, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फॉग लैम्प्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन। मतलब फॉग लैम्प्स तो मिल जाते हैं बाकी गाड़ियों में लेकिन कॉर्नरिंग फंक्शन उनमें नहीं है। इसके अलावा ट्रैक्शन प्रो, ये एक ऑफरोडिंग फीचर है, अगर आपकी गाड़ी इनकेस अगर कीचड़ वगैरह में फंस जाती है तो ये फीचर आपकी मदद करता है वहाँ से निकलने में। इसके अलावा एक सेफ्टी फीचर है ब्रेक स्वै कंट्रोल। ये सारे वो फीचर्स हैं जो सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं मिल पाते लेकिन पंच में मिल जाते हैं। इसी तरह से ब्रेक असिस्ट, फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स भी आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं लेकिन इसके डायरेक्ट राइवल एक्स्टर में नहीं मिल पाते। सनरूफ आपको इस गाड़ी में मिल जाती है लेकिन सेगमेंट में आने वाली काइगर और मैग्नाइट में नहीं मिल पाती। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आपको इसमें दी गई है लेकिन काइगर में नहीं है, और मैग्नाइट में है लेकिन उसमें फीचर्स कम हैं। कूल्ड क्लब बॉक्स और LED टेल लैंप्स इस गाड़ी में हैं लेकिन मैग्नाइट में नहीं मिल पाते हैं। ऑटो हेडलैंप्स इस गाड़ी में दिए गए हैं लेकिन सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं है। इको और सिटी ड्राइविंग मोड्स इस गाड़ी में हैं लेकिन मैग्नाइट और एक्स्टर में किसी भी तरह का कोई मोड नहीं है। सेवंथ पॉजिटिव पॉइंट, प्राइसेस। इस गाड़ी में क्या कुछ मिल जाता है, कौन कौन से फीचर्स ज़्यादा हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या खासियतें हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको शुरुआती 6 पॉइंट्स में बता दी हैं। इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी ये गाड़ी अपनी सेगमेंट में आने वाली काइगर और मैग्नाइट से 1,00,000 रुपये सस्ती है। तो ये तो होगा इस गाड़ी के पॉजिटिव पॉइंट्स। अब मैं आपको इस गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ। तो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस। ऑन पेपर देखने में तो इंजन के स्पेसिफिकेशंस एकदम परफेक्ट लगते हैं लेकिन जब आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल एवरेज लगती है या फिर कुछ लोगों को एवरेज से भी थोड़ी कम लग सकती है। मतलब अगर आप ये उम्मीद रखकर इस गाड़ी को चला रहे हो कि भाई एक्सीलेटर दबाते से ही गाड़ी तूफान बन जाएगी, भगी चली जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब कि कुल मिलाकर इसके इंजन की परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल है या फिर उसके आसपास है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बेस्ट इन सेगमेंट नहीं है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है जबकि सेगमेंट में आने वाली एक्स्टर में आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो इससे काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। रिफाइंड होने की वजह से ये इंजन काफ़ी साइलेंट और स्मूथ परफॉर्मेंस दे रहा होता है कंपेरेटिवली पंच के। मतलब कि कम स्पीड में तो दोनों ही गाड़ियां साइलेंट हैं, आपको कोई अंतर नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप स्पीड बढ़ा देते हैं 90-100 या उसके ऊपर जाते हैं तो आपको इंजन नॉइस का डिफरेंस साफ साफ नज़र आने लगेगा। मतलब आपको खुद ही एहसास होगा कि कौन सा इंजन ज़्यादा रिफाइंड है। इस सेगमेंट में आने वाली काइगर और मैग्नाइट में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ साथ में टर्बोचार्ज्ड इंजन ऑप्शंस भी दिए गए हैं जबकि इस गाड़ी में पंच में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही टाइप का इंजन है, एक ही ऑप्शन है। सेकंड नेगेटिव पॉइंट, इस गाड़ी में कैबिन स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इस गाड़ी में 4 लोग कंफर्टेबली फैलकर बैठकर लंबे से लंबा ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि इसके पीछे वाली सीट पर 3 हेल्दी एडल्ट्स कंफर्टेबली बैठ जाएं और काफ़ी देर तक बैठे रहें और उन्हें कोई दिक्कत ना हो तो भाई यहाँ मामला थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर पीछे बैठने वाले लोगों की हेल्थ काफ़ी डाउन है, लड्डी टिड्डी से हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया फैल के वो भी बैठ सकते हैं। लेकिन अगर तीनों के तीनों तगड़े हैं तो दिक्कत आएगी। जबकि सेगमेंट की दूसरी गाड़ियाँ जैसे कि काइगर और मैग्नाइट में 3 एडल्ट्स कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, मतलब कि फैल कर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ पंच से ज़्यादा कम्फर्ट पीछे की सीट पर काइगर और मैग्नाइट के मिल रहा होता है। अगर आपकी हाइट 5'8" या उससे ज़्यादा है या आपके पैर ज़्यादा लंबे हैं तो आपका जो लेफ्ट वाला घुटना होगा गाड़ी चलाते समय डैशबोर्ड से बार बार टकरा रहा होगा। अब ये प्रॉब्लम कुछ कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें बड़ा मज़ा आता है टकराने में, घिसने में, रगड़ने में, लेकिन भाई कुछ कुछ लोगों के लिए काफ़ी इरिटेटिंग होता है, स्पेशली तब जब आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो। थर्ड नेगेटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट सिर्फ पंच में नहीं टाटा की लगभग हर किसी गाड़ी में देखने को मिल जाता है और वो है फिट एंड फिनिशिंग का। अगर आप बारीकी से देखोगे तो कहीं पर स्पेस कम तो कहीं पर ज़्यादा नज़र आएगी, कोई डिज़ाइन आपको लंबी टेढ़ी चौड़ी सी नज़र आएगी। मतलब कि आप नेकेड आई से भी देख सकते हो कि सारी चीज़ें एकदम बरोबर अपनी जगह सही तरह से नहीं लगी हैं, और ये आम समस्या टाटा की लगभग हर किसी गाड़ी में है और वही इस पंच में भी है।
फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है कि इस गाड़ी के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको बेसिक टेक्नोलॉजी मिलती है AMT की, जो चलाने में ठीक ठाक स्मूथनेस प्रोवाइड करती है। लेकिन कॉम्पिटिशन में जो काइगर और मैग्नाइट है उसमें आपको CVT टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो चलाने में AMT के मुकाबले अल्ट्रा स्मूथ होती है भाई। फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट है बूट स्पेस। पंच में आपको 366 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जबकि बेस्ट इन सेगमेंट बूट आपको काइगर में दी गई है 405 लीटर की। सेकंड बेस्ट है एक्स्टर में 391 लीटर की और थर्ड बेस्ट है पंच की। फोर्थ पर है मैग्नाइट 336 लीटर की बूट स्पेस के साथ में। सिक्स्थ नेगेटिव पॉइंट है ग्राउंड क्लियरेंस। सेगमेंट में सबसे अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मैग्नाइट और काइगर में दी गई है 205 mm की। उसके बाद पंच में आती है 187 mm की और एक्स्टर में सबसे कम है 185 mm की। सेवंथ नेगेटिव पॉइंट है मेंटेनेंस कॉस्ट। इन चारों गाड़ियों में से सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट टाटा पंच की ही है। एग्जैक्ट मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है वो मुझे पता है, लेकिन वो मैं चाहकर भी आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत जल्दी ये पैसे बदलते रहते हैं। हो सकता है 2-4 महीने में ही मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ से कुछ हो जाए, और जब आपको पता चले तो आप मुझसे कहो कि भाई यार मैं गलत जानकारी फैलाता हूँ, इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन एक रफ आइडिया अगर मैं आपको देना चाहूँ तो सेगमेंट की सबसे ज़्यादा तो पंच की है, और सबसे कम मेंटेनेंस कॉस्ट है मैग्नाइट की। मैग्नाइट के बाद सबसे कम है काइगर की, उसके बाद एक्स्टर की। अगर रफ अंदाज़ा दूं मैं एक ये फैसला लेने के लिए कि ऐसा भी क्या है मेंटेनेंस कॉस्ट में, तो अगर मैग्नाइट, जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे कम है, 5 साल में अगर आप मैग्नाइट पर 50,000 रुपये खर्च करते हो मेंटेनेंस के मामले में, तो उन्हीं 5 साल में आप टाटा पंच के ऊपर 60,000 रुपये खर्च कर रहे होगे। मतलब कि 5 साल की ड्यूरेशन में 10,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस आ जाएगा मेंटेनेंस कॉस्ट में मैग्नाइट और पंच की। तो यहाँ से आप एक रफ अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेंटेनेंस कॉस्ट में कितना अंतर है सबसे कम और सबसे महंगी वाली में। अगर मैं ऑन पेपर की बात करूँ तो भाई बूट स्पेस और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में पंच अपने कॉम्पिटिशन से पीछे है, इसलिए ये दो नेगेटिव पॉइंट जन्म लेते हैं और मुझे आप लोगों को बताना पड़ता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो बूट स्पेस पंच की देखने में या फिर सामान रखने में कहीं से भी छोटी नहीं लगती है। और रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, तो सीना तान के अगर स्पीड ब्रेकर भी आ जाए, कितना भी चौड़ा लंबा कितना भी तगड़ा हो, तब भी पंच कहीं भी नहीं टकराती है। चाहे कितनी भी ख़राब रोड पर आप ले जाओ, 4 लोग या 5 लोग बैठे हों, पंच नहीं टकराएगी। एट्थ नेगेटिव पॉइंट है कि ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो आपको पंच में नहीं मिल पाते लेकिन सेगमेंट की किसी ना किसी गाड़ी में मिल जाते हैं। जैसे कि पंच में आपको मैक्सिमम 2 एयरबैग्स मिलते हैं, जबकि काइगर में आपको 4 एयरबैग्स मिल जाते हैं, और एक्स्टर में तो भाई 6 एयरबैग्स दिए गए हैं। इसी तरह से हिल होल्ड कंट्रोल, रियर AC वेंट्स और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स आपको पंच में नहीं मिलते लेकिन सेगमेंट की हर किसी गाड़ी में मिल जाते हैं। इसी तरह से पंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो स्क्रीन है वो 7 इंच की दी गई है, जबकि सेगमेंट की हर किसी गाड़ी में आपको 8 इंच की तक मिल जाती है। 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज, LED हेडलैम्प्स, फ्रंट एंड रियर कैबिन लैम्प्स, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले और कप होल्डर्स इन रियर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स इसमें नहीं हैं, जबकि काइगर और मैग्नाइट में मिल जाते हैं। फैब्रिक प्लस लेदरेट सीट्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और एम्बियंट लाइटिंग जैसे फीचर्स इसमें नहीं हैं, लेकिन एक्स्टर और मैग्नाइट में मिल जाते हैं। LED फॉग लैम्प्स, 360 डिग्री रियर व्यू पार्किंग कैमरा और एंटी रोल बार जैसे फीचर्स इस गाड़ी में नहीं दिए गए हैं, जबकि मैग्नाइट में हैं। कंपनी फिटेड डैश कैमरा और पैडल शिफ्टर जैसे फीचर्स इस गाड़ी में नहीं दिए गए हैं, जबकि एक्स्टर में मिल जाते हैं। तो ये थे इस गाड़ी के सभी नेगेटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों ही मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपकी प्रायोरिटीज़ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में ज़्यादा आती हैं तो आपको टाटा पंच को प्रेफर करना चाहिए, और इसका ठीक उल्टा, अगर आपकी प्रायोरिटीज़ नेगेटिव पॉइंट्स में डली हुई हैं तो फिर आपको पंच इग्नोर करके सेगमेंट की किसी दूसरी गाड़ी पर ध्यान लगाना चाहिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप सहमत हैं या नहीं कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में, आपके पास में कोई ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट है जो इस वीडियो में नहीं बताया गया है, तो कमेंट कर मुझसे शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।